व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, कच्ची से कलम तक। आज वेजिटेरियन रेसिपी में बहुत ही खास सब्जी बनाने वाले हैं हम। खास इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सब्जी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। तो आज की सब्जी मूंगा या सहजन की बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो आपके घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होते हैं तो घर में बहुत तरह की बीमारियां आ जाती हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए हमें एंटीडॉट लेना पड़ता है। मूंगा या सहजन एक तरह का एंटीडॉट है जिसको हम सबको जरूर खाना चाहिए, स्पेशली जब मौसम चेंज होता है। तो सब्जी बनाते बनाते मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मूंगा या सहजन किस तरह से हमारे लिए हेल्दी है और किस तरह से वो हमारे शरीर पर काम करता है हमें बीमारियों से बचाने के लिए। इसके अलावा मूंगा या सहजन की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर शेयर की हुई है, जैसे कि मूंगा या सहजन का अचार, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और भी हेल्दी रेसिपीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे राइट हैंड साइड सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी वीडियो अपडेट, सब चीजें आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूंगा या सहजन की टेस्टी यम्मी और हेल्दी सब्जी बनाना। तो चलिए बनाते हैं। मूंगा, सहजन या ड्रमस्टिक सभी के घर में सब्जियों में जरूर आते होंगे। तो आज जो सब्जी हम लोग बना रहे हैं ये मूंगे की फली की सब्जी है, और बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। जो आपके किचन के मसालों के डब्बे में जो मसाले अवेलेबल होंगे उन्हीं मसालों से ये सब्जी बनने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस सब्जी के लिए हमें क्या क्या बेसिक सामग्री चाहिए। तो सामग्री में सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मूंगा यानी कि ड्रमस्टिक। इसे डेढ़ डेढ़ इंच एक एक इंच के पीसेस में काट लिया है। ये पतले वाले मूंगे हैं। एक ड्रमस्टिक आता है जिसमें बीज होता है, उसको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो पतले वाले हैं ये डायरेक्ट हम बना लेते हैं इसकी सब्जी, जो मोटे वाले होते हैं उसको एक से दो बार बॉयल करना होता है। 8 से 10 कलियां लहसुन की छिलके ले ली हैं। 1 चम्मच पीला सरसों ले लिया, आप चाहें तो काला सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 टुकड़ा कच्चा इमली लिया है, कच्चे इमली की जगह आप कच्चे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी या फिर मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये बहुत ही कॉमन सामग्री है। इमली का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम लोग मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टमाटर। मूंगा की सब्जी जब आप बनाते हैं तो आपके घर में जब आप लोगों को ये सर्व करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उसके खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मसाले को पेस्ट बनाते बनाते मैं आपको वो भी बताऊंगी। यहाँ मसालों में हमने वही सामग्री ऐड की जो मैंने आपको दिखाया था, टमाटर, सरसों, लहसुन, हल्दी थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और थोड़े से कसूरी मेथी के पत्ते। कसूरी मेथी वाले पत्ते जो हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें। तो चलिए जब तक मसालों का पेस्ट बन रहा मैं आपको बताती हूँ कि मूंगा खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। मूंगा या ड्रमस्टिक खाने से जो आपकी स्किन है, आपकी हड्डियाँ हैं, वो स्किन जो है वो ग्लो करती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और खून बहुत तेज़ी से बनता है। साथ ही साथ आपका दिमाग वो साफ और स्वस्थ रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग से ही कनेक्टेड है। इसके अलावा ये गठिया के लोग जिन लोगों को है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है मूंगे की कि मूंगा जो वो ना एंटीबायोटिक होता है, यानी कि आपके शरीर के जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको ख़त्म कर देता है। तो चलिए मसाले का पेस्ट तैयार हो गया, अब सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने चढ़ाई ये कढ़ाई, सब्जी बिल्कुल लटपटी सी बनाएंगे, इसमें ग्रेवी नहीं लगाएंगे ताकि मूंगा खाने का मज़ा आ सके, क्योंकि ग्रेवी लगाने से फिर ग्रेवी अलग हो जाता है और मूंगा अलग हो जाता है। तो ये हम बनाने वाले एक लटपट सी सब्जी। तो कढ़ाई में डाला 2 से 1.25 चम्मच सरसों का तेल, और इसके बाद इसमें डाले इमली के टुकड़े। मैंने बताया कि इमली की जगह पे आप आम के टुकड़े या फिर खटाई का या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किचन में हर एक सामग्री का एक ऑप्शन ज़रूर होता है। इसके अलावा थोड़े से मेथी के दाने से तड़का दे दिया है, यानी मेथी के दाने और इमली से हमें तड़के को देखना है। इसके बाद मसालों का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें मसाले फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 टमाटर, 1 चम्मच सरसों पीला सरसों, 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, उन सबको मिक्स करके पेस्ट बना लेना है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, उस अकॉर्डिंग डालना है कि आपको इसमें ग्रेवी नहीं लगाना है, और मसालों को मिक्स कर लेना है। तो जो एंटीबायोटिक होता है उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब मौसम चेंज होते हैं, ये मैंने डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स,
बस ये खूबसूरती के लिए, इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, आपकी सब्ज़ी को कड़वा नहीं बनाएगा ये, बट ये बहुत सुंदर दिखता है। तो मैंने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, जिसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होता है ना, जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ आने फैलने लगती हैं। ऐसे में हम लोग होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में एंटीडोट लेते हैं, तो क्यों ना नेचुरोपैथ का एंटीडोट का इस्तेमाल किया करें। बच्चों को अगर सब्ज़ी खिलाना आपको मुश्किल होता है तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, जो मूंगा या ड्रम स्टिक है उसको काट के आप दाल में डाल दीजिए। दाल बनाने के बाद मूंगा या ड्रम स्टिक को अलग कर दीजिए, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स के जो वैल्यू है ना, न्यूट्रिशंस वैल्यू, वो दाल में मिक्स हो जाएगी और आप बच्चों को बहुत ईजिली दाल पिला सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चों को भी बहुत आराम से आप दाल पिला के उनको ये एंटीडोट दे सकते हैं। अब इसमें हमने मिला दिया कटे हुए सहजन और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मीडियम आंच पे रखेंगे, इसको फिर ढक देंगे। सहजन जो है वो पुराने ज़माने में दवाई के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी। आप सहजन के पत्तियों का भी इस्तेमाल सूप बनाने में कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपको सहजन की पत्ती, सहजन के फूल की और भी रेसिपीज जाननी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे सहजन की पत्ती, सहजन की फूल और सहजन की ये जो हैं फलियाँ हैं, उनकी और भी रेसिपीज शेयर करूँगी। और उनको किसी भी तरह से आप उसको खाइए तो आपको किसी भी तरह की बीमारी कभी भी नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि ये एंटीडोट आपको हर बीमारी से बचाएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है गलने तक और मसाले भुनने तक। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करनी है और रोटी चावल के साथ सर्व करिए या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी।